हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैसे आप अपने जीवन में अच्छे विचार लेके आ सकते हो, कैसे आप अपने जीवन को पॉजिटिव विचारों से भर सकते हो। तो इसको हम सीखते हैं, हाउ टू थिंक पॉजिटिव विचारों का मतलब है अच्छे विचार, उत्तम विचार, जिससे आपका जीवन बनेगा। तो इस विचारों को कैसे हम अपने जीवन में लेके आ सकते हैं, उससे पहले हम ये सोचेंगे कि इसका क्या फायदा है, क्यों लेके आए पॉजिटिव विचार। उससे हम ऐसे कह सकते हैं, पहला रीजन वाई शुड वी थिंक पॉजिटिव पॉजिटिव। जब इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा तब हम अच्छे विचार लेके आएंगे, सकारात्मक विचार लेके आएंगे। तो इसमें हम ये कहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनीथिंग हैज इट्स ओन शैडो। हर चीज का एक प्रतिबिंब होता है, बिंब का प्रतिबिंब। देखो ये व्यक्ति है, ये जितना इसका साइज है उस साइज से इसका प्रतिबिंब बन गया यहां, ठीक है, ये है शैडो। तो अब ये फूल है, इसका भी एक प्रतिबिंब यहां बन गया। यानी हर चीज का एक अपना प्रतिबिंब होता है। तो हमें यह सोचना चाहिए कि जैसे आप सोचते हो, थिंक करते हो, वैसे ही उसकी एक शैडो बनेगी, वैसे ही वास्तविक जीवन में वो चीजें आएंगी जिसके बारे में आप अच्छा सोचते हो। बहुत सिंपल सा बात है कि अगर मैं इसी बेस पे इसको रखूं, आपके पॉजिटिव थॉट्स को, थॉट्स ये आपके नेगेटिव थॉट्स, मान लो कि ये कोई वस्तु है पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है, तो इसका भी एक शैडो बनेगा, आपके विचारों का एक शैडो बनेगा, शैडो, इसका भी एक प्रतिबिंब बनेगा। यानी आपके पास जो चीजें आएंगी अच्छा सोचने से, खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, धन मिलेगा, दौलत मिलेगी, इसके अलावा सफलता मिलेगी, जो बनना चाहते हो वो बनोगे आप। तो कितनी खुशी की बात है कि एज पर साइंस केस एंड इफेक्ट थ्योरी से हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं तो उसका जो शैडो बनेगा पॉजिटिव बनेगा, अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं तो उसका जो शैडो बनेगा, जो इमेज आएगी वो भी गलत होगी। चाहते तो आप अच्छी चीजें हो और सोच रहे हो नेगेटिव, चाहते तो अमीर बनना हो और विचार घटिया और तुच्छ विचार रखते हो, तो उसकी शैडो कैसे बनेगी। तो आप हमेशा ही पॉजिटिव सोचिए, उस हिसाब से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो यह फर्स्ट जो है पॉइंट है, उस रास्ते की तरफ जाने का जिस तरफ आपको सुख, आनंद और शांति मिलेगी, इससे आप अपनी थिंकिंग को चेंज कर सकते हो। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। जब जब आप नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करते जाओगे, आपको पॉजिटिव थॉट्स आते जाएंगे। कैसे आएंगे, इसके लिए आपने ये सोचना, ये नेगेटिव थॉट्स क्या काम करते हैं, क्या नुकसान करते हैं, इसका जो साइड इफेक्ट है वो सिर्फ एक चीज लेके आता है, वो है टेंशन।
जब आप घबराहट में हमेशा ही गलत थिंकिंग से सोचते हो, गलत विचारों से सोचते हो, नहीं ये नहीं हो सकता, क्या ये हो सकता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो उस समय आपको टेंशन हो जाती है बार बार, तो ये टेंशन आपको हेल्थी नहीं रखने देगी। हर तरह की बीमारी आपको लगेगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हार्ट आपका ठीक नहीं रहेगा, लीवर आपका ठीक नहीं रहेगा, किडनी आपकी ठीक नहीं रहेगी। कहने का भाव यह है कि आप आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, दुख और तकलीफ से आप जूझते होगे, तो इसको अवॉइड करो ना। आपने पॉजिटिव थिंकिंग लेके आनी है, हर हालत में एक संकल्प कीजिए कि मैं नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेके आऊंगा। ओके, नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेके आऊंगा। थर्ड है कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज। यदि आपने पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, उसको लेके आनी है, आशावादी विचार लेके आने हैं, तो ये याद रखिए कि आपको समस्याओं को समझना होगा। समस्याओं कैसे आप समझ सकते हो कि आपने देखा कि आपने जा रहे हो, आगे कोई रुकावट आ गई है, तो उसको जंप करो। परमपिता परमात्मा ने उस रुकावट को इसलिए बनाया है कि आपको परमात्मा आप चाहता है कि आप चैंपियन बनो, आप जीनियस बनो, तो वो रुकावट लेके आए। हमने क्या किया, हमने जंप तो किया नहीं, सिर्फ हम सोचते रहे नहीं हमसे जंप नहीं लगेगा, मुश्किल है, डिफिकल्टी। असल में वो डिफिकल्टी नहीं थी, अभ्यास कीजिए आप, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, तो वो जंप लगेगी। जिस समय आप धीरे धीरे जंप लगाना शुरू करते हो, तो मुश्किलों का सामना करना आपको आ जाएगा, उस समय आपके विचार पॉजिटिव बनते जाएंगे। धीरे धीरे आप स्टेप्स उठाइए और डिफिकल्टीज को दूर करते जाइए। चौथा है पॉइंट होप्स, आशावादी विचार रखिए, होप्स के बारे में सोचिए। जब भी आप सोचना है, यह सोचिए कि अगर आज रात है तो कल दिन होगा, अगर आज दुख है तो कल सुख होगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि एक ही तरह की सिचुएशन हमेशा ही रहे, तो होप्स लेके आइए अपने जीवन में, आशावादी बनिए। अगर पतझड़ का समय है तो बहारें भी आती हैं। जब कोई भी फूल नहीं होता, एक वक्त आता है सभी फूलों से हर तरफ खुशबू ही खिलती रहती है, तो आशावादी बनिए। इन एंड पांचवा, आपने स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल, हर चीज को एक चैलेंज माननी है। उसके लिए क्या है, आपके मन में एक अच्छा विचार आया। हर इंसान के मन में एक दिन में 50,000 से 60,000 विचार आते हैं। उस अच्छे विचार होंगे आपके मन में, जो अच्छा विचार आया है कि मैं आज सुबह उठूंगा, अच्छा विचार है, उसको दूसरे विचारों से जोड़ दीजिए। आज मैं अपना काम समय पे निपटाऊंगा, तीसरे विचार से जोड़ दीजिए। आज मैं किसी के भले का काम करूंगा, एक विचार और जोड़ दीजिए। आज मैं अपनी जुबान से किसी का गलत ना तो बोलूंगा, ना ही कहूंगा, किसी को गाली नहीं दूंगा। तो इस तरह से ये आपकी माला बन जाएगी। आपने स्ट्रगल किया अपने विचारों से, जब यह माला बन जाएगी तो यह अपने आप ही काम करेगी ऑटोमेटिकली। जैसे रात होती है ना, आपको दिन करने की जरूरत नहीं, रात के बाद दिन अपने आप आ जाता है। अगर आपने एक एक अच्छा विचार को जोड़ लिया, तो यह जो माला है अपने आप काम करेगी। अगली बार आपको अच्छा विचार सोचने की जरूरत नहीं, अच्छा विचार अपने आप ही आएगा। ओके, तो इस तरीके से हम अच्छे विचारों को सोच सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रख सकते हैं। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आसान है। ओके, थैंक यू।